नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेपाल अकाउंट कैसे ओपन किया जा सकता है और इसमें एक स्पेसिफिक कैटेगरी होती है फ्रीलांसर। जैसे ही आप अकाउंट ओपन करेंगे उसमें आपको दो या तीन टाइप होंगे कि बिजनेस अकाउंट कैसे कर सकते हैं, फ्रीलांसर अकाउंट आप कैसे ओपन कर सकते हैं और साथ ही साथ एक कंपनी अकाउंट को आप कैसे ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको ओपन करने के लिए चलते हैं हम सबसे पहले इस वेबसाइट पर जहाँ पर हमें मिल जाता है ये साइनअप का ऑप्शन। यदि इस पर आपको डायरेक्ट जाना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर साइनअप पर क्लिक करते हैं यहाँ हमें तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, फॉर शॉपर, फॉर बिजनेस और फ्रीलांसर। तो शॉपर अकाउंट बेसिकली ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए होता है, ग्लोबल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लिए। फ्रीलांसर अकाउंट जो होता है बेसिकली ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है यदि एक आप ऑनलाइन क्रिएटर हो और ऑनलाइन के माध्यम से आप पैसे अर्न करते हो तो आपको जो पेमेंट है वो नेशनल के बाहर, मतलब इंडिया के बाहर से यदि आपको रिसीव करनी हो तो आपको एक इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक उसी तरह पेपाल एक इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म है जो हमें ग्लोबली पेमेंट रिसीव करने और सेंड करने की सुविधा प्रदान करता है। ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पे यदि आप बिजनेस अकाउंट करेंगे तो आपको GST वगैरह डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, बट यदि आप फ्रीलांसर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ये मिनिमम डॉक्यूमेंट्स में ओपन हो जाएगा, जिसके लिए आपको पैन कार्ड की आवश्यकता होगी, जिसके लिए एड्रेस प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड की आवश्यकता होगी और साथ ही साथ बैंक स्टेटमेंट आपको अपने बैंक का रखना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम फ्रीलांसर अकाउंट ओपन करने के लिए चलिए यहाँ फटाफट नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेते हैं और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि आगे की प्रोसेस क्या है। तो आपको पहले से ही पैन कार्ड और आधार कार्ड के स्कैन की हुई कॉपी अपने पास रखनी है ताकि अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो जैसे ही हमने नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड हमको यहाँ पर मिल जाएगा जहाँ सबसे पहले हमें वो ईमेल आईडी एंटर करनी है जिस ईमेल आईडी को हम पेपाल के साथ अटैच करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पेपाल जो है वो ईमेल आईडी के माध्यम से आपको पेमेंट रिसीव करने की या सेंड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर आप वही ईमेल आईडी एंटर करें जो आप हमेशा यूज़ करते हो या आपकी प्राइमरी ईमेल आईडी हो, किसी भी और सेकेंडरी ईमेल आईडी का उपयोग ना करें क्योंकि यदि आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसकी डिटेल आपकी ईमेल आईडी में ही जानी है। यदि आपका पासवर्ड मिस हो जाता है या आप भूल जाते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए उसी आईडी का उपयोग करना होगा। तो ईमेल आईडी डाल के हम कंटिन्यू कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे बिजनेस अकाउंट के बारे में पूछा जा रहा है। बिजनेस अकाउंट जो होता है ये कई तरीका हो सकता है, जैसे कि आप इंडिविजुअल ओपन करना चाहते हैं या सारी चीज़ें। उससे पहले हम यहाँ पर अपने पासवर्ड डाल के एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे हमें अपना बिजनेस टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा जो ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्लिक करके आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो चलिए क्लिक करके हम देख लेते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको इंडिविजुअल, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और कॉरपोरेशन। तो आप यदि फ्रीलांसर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल पे क्लिक करना होगा, अदरवाइज और भी ऑप्शन है तो जो आपको सूट करे आप उस हिसाब से यहाँ पे बिजनेस टाइप अपना चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। इंडिविजुअल सेलेक्ट करते ही हमें यहाँ पे अपने अकाउंट से रिलेटेड डिटेल डालनी होती है कि आप किस प्रकार का काम करते हैं ऑनलाइन, जिसके लिए आप, जिस सर्विस के लिए आप लोगों से चार्ज करते हैं। तो यदि आप कोई ऐप डेवलपर हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, तो आप अपने कंप्यूटर एसेसरीज, उसके सपोर्ट और सेल्स के माध्यम से अर्निंग करते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी चुननी होगी कि प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है। जैसे ही आप यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखते हैं तो वहाँ से रिलेटेड आपको जानकारी मिल जाती है। तो हमने अभी टेलीकॉम वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, उसी से रिलेटेड यहाँ पे पर्पस कोड भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये चार पांच प्रकार की फील्ड्स को इकट्ठा करके एक पर्पस कोड बनाया गया है। जैसे कि यहाँ पे जो पर्पस कोड है वो सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी एंड इम्प्लीमेंटेशन है जो हमारी कैटेगरी को सूट करता है। उसके बाद यहाँ पर हमें अपना पैन नंबर एंटर करना होता है। यहाँ पर हमें पैन नंबर एंटर करने के बाद उसके बाद जो है कार्ड पे हम क्या नाम चाहते हैं वो नाम यहाँ पे नीचे एंटर करना पड़ेगा। इसमें कुछ लिमिटेशन है, ये 6 कैरेक्टर या 8 कैरेक्टर का होगा, तो सिंपली आप अपना फर्स्ट नेम ही डालें। उसके बाद यहाँ पे यदि आपका कोई बिजनेस URL है, कोई कंपनी है जिसको आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ कंटिन्यू करके नेक्स्ट बढ़ सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पे दोस्तों हमें कंप्लीट अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, जैसे कि हमारा फर्स्ट नेम, हमारा मिडिल नेम और लास्ट नेम। दोस्तों पैन कार्ड में जो भी आपका नाम है वही नाम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डालें, अदरवाइज मिसमैच होने की कंडीशन में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जा सकता है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद यहाँ पे हमें अपना पोस्टल एड्रेस डालना होगा, जिसका पिन कोड प्रॉपर तरीके से एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो एड्रेस है ये सेम वही होना चाहिए जो आप आधार कार्ड या डॉक्यूमेंट इसके साथ अपलोड करेंगे, मतलब स्कैन की हुई कॉपी आधार कार्ड की आपको अपलोड करनी होगी एड्रेस प्रूफ में। तो सिंपली वही एड्रेस डालें जो आपके डॉक्यूमेंट में मेंशन हो। कंप्लीट एड्रेस डालने के बाद हमें यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी होगी, और उसके बाद हमें अपनी करेंसी, प्राइमरी करेंसी चुननी होगी। यदि आप इंडिया से हैं तो INR सेलेक्ट करें, या आप किसी और कंट्री से हैं तो आप अपनी वहाँ की प्राइमरी करेंसी चुन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें सिंपली चेक करना है, एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम रीडायरेक्ट हो जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है ईमेल वेरिफिकेशन का, दूसरा पॉइंट है लिंक बैंक अकाउंट का, तीसरा पॉइंट है कंप्लीट वेरिफिकेशन ऑनलाइन प्रोसेस का। तो सबसे पहले यदि हम बात करें अपने ईमेल वेरिफिकेशन की, तो पेपॉल की तरफ से एक लिंक भेजा जाता है जिस पे क्लिक करके हम अपने ईमेल को वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है बैंक अकाउंट लिंक करने का, इसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा वीडियो में कुछ ही देर बाद। तीसरा जो ऑप्शन है ऑनलाइन वेरिफिकेशन का, इसके जरिए आप इमीजिएटली पेमेंट यदि रिसीव करना चाहते हैं इंटरनेशनली तो वो रिसीव कर सकते हैं, पर उसे विड्रॉ करने के लिए आपका बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन होना कंपलसरी है। अगले पॉइंट्स की बात करें तो अगले पॉइंट्स में आपको अपने आईडी प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ, लाइक एड्रेस प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड, इसकी कॉपी स्कैन की हुई अपलोड करनी होती है। वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद पेपॉल की तरफ से उन्हें वेरीफाई किया जाता है। यदि आपके द्वारा दी गई जानकारी और अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार का डिफरेंस मिलता है तो आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट भी किया जा सकता है। लास्ट ऑप्शन है आप अपनी मनी को या लिमिट को कैसे रेज कर सकते हैं। इसके लिए पहले तो स्टार्टिंग ग्रुप में आपको लगभग $500 या $1,000 की लिमिट मिलती है, उसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट ITR लगा के अपनी पेमेंट की लिमिट जो है उसको रेज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने ईमेल वेरिफिकेशन की। तो ईमेल वेरिफिकेशन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक पॉपअप बॉक्स ओपन होगा, आप ये देख सकते हैं स्क्रीन में कुछ इस तरीके का। यहाँ पे गो टू जीमेल वाले एक्शन में है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो लिंक पेपॉल की तरफ से आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये ईमेल वेरिफिकेशन तो कर ही सकते हैं। अगले पॉइंट्स की बात करें तो लिंक बैंक अकाउंट में, तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पे पहली चीज़ जो है वो पैन कार्ड में आपका नाम जिस तरीके से मेंशन होगा वही नाम यहाँ पे शो करना चाहिए, या ये वही नाम आपको डॉक्यूमेंट्स में फिल करना होगा। यदि आपके पैन कार्ड से आपका नाम मैच नहीं होगा तो प्रोसेस आगे कंटिन्यू नहीं होगी। दूसरे ऑप्शन में आपको अकाउंट नंबर डालना है, तीसरे बॉक्स में आपको अपना अकाउंट नंबर वापस से एंटर करना है ताकि वो वेरीफाई हो जाए। अगले पॉइंट के जरिए हमें आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना होगा, जिसमें हमें पैन कार्ड की कॉपी अपलोड करनी है और साथ ही साथ आधार कार्ड की भी कॉपी अपलोड करनी है। तो जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा, जहाँ पर एग्री और कंटिन्यू पर क्लिक करना है, और पहला ऑप्शन हमें मिल जाता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का, जहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है पैन कार्ड का। तो यहाँ पर क्लिक करके हम अपने पैन कार्ड की कॉपी को स्कैन की हुई अपलोड कर सकते हैं और अपनी आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद बात करें हम दूसरे ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन हमको मिल जाता है इसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस का। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें कई ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे आइडेंटिटी में एक ही ऑप्शन था, यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, GST सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, वोटर आईडी और भी ऑप्शन मिल सकते हैं। तो इसके आधार पर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी हो उसका यूज़ करके आप अपना एड्रेस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। एड्रेस वेरिफिकेशन के बाद प्रूफ ऑफ बैंक में हम अपने बैंक अकाउंट का कैंसिल चेक, उसका स्टेटमेंट या फिर पासबुक की फ्रंट कॉपी को स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही हमारा बैंक ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं तो पेपॉल की तरफ से दो स्मॉल अमाउंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे, जिसे हमें रिटर्न करके अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करना है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना
ना भूलें। आपकी यदि कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट्स का जवाब देने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो।